गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज संदीप श्रीवास्तव। आज इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ रही है? चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें हमने उठाया है हिस्ट्री। और हिस्ट्री का चैप्टर कौन सा है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके बेटा, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले हमारे चैनल का नाम आपको मालूम ही है, टाइटेनियम। क्या नाम बताइए? हाँ, टाइटेनियम हिस्ट्री। बिल्कुल सही बताया, टाइटेनियम हिस्ट्री है। ठीक है, याद रखिएगा और इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को बताएं ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो ये सीबीएसई बोर्ड में 2023 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसको आप पढ़िए, याद करिए, समझिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, पहला क्वेश्चन है, जॉन वराइन स्टार्टेड इन 1934 इन प्रुशिया रिफर्स टू अ, चार ऑप्शन दिए गए, ट्रेड यूनियन, कस्टम यूनियन, लेबर यूनियन और फार्मर्स यूनियन। तो बताइए आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा कस्टम यूनियन। क्या होगा? कस्टम यूनियन। ठीक है, याद रखिएगा, हमने वो टिक लगा दे रहे हैं, ये टिक लगा दिया, कस्टम यूनियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, व्हाट डू द सेंट एंजल क्राइस्ट सिंबलाइज इन द यूटोपियन विजन। यूटोपियन मतलब होता है आदर्श राष्ट्र, एक आइडियल कंट्री। ओके, आइडियल नेशन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो व्हाट डू द सेंट एंजल एंड क्राइस्ट सिंबलाइज, आप सभी जानते हैं सेंट क्या होता है। तो हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें जो पिक्चर बना हुआ है, फ्रेडरिक सोरियो ने दिया है ना पिक्चर आपकी बुक में, उसी में पिक्चर में सेंट भी दिखाए गए हैं, एंजल दिखाए गए हैं और क्राइस्ट भी दिखाए गए हैं। तो इनको जो है सिम्बलाइज किया गया यूटोपियन विजन में किस रूप में? तो आपको मालूम होना चाहिए, चार ऑप्शन दिए, इक्वेलिटी अमंग पीपल, फ्रेटर्निटी अमंग नेशन, फ्रीडम ऑफ नेशंस और रिसेंटमेंट अगेंस्ट नेशन। तो आंसर जानते हैं क्या होगा? आंसर होगा फ्रेटर्निटी अमंग नेशन, क्योंकि उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से जो है बहुत सारे देश गुजर रहे हैं, कुछ देश गुजर चुके हैं, इसका मतलब वो नेशन स्टेट बन चुके हैं। ठीक है, तो उनमें आपस में क्या है? फ्रेटर्निटी अमंग नेशन। और फ्रेटर्निटी माने क्या होता है? बंधुत्व, भाईचारा, वो दिखाने का प्रयास किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रेटर्निटी अमंग नेशन। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हु वर द जंकर्स। ये वो क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, अक्सर देखा गया, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। तो जंकर्स कौन होते हैं? जो पहली बार पढ़ता है तो उसको लगता है ये जंकर्स कोई नई चीज है, लेकिन जंकर्स क्या सोल्जर होते हैं? क्या जंकर्स लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं, या एरिस्टोक्रेसी होते हैं, या वीवर्स जुलाहे होते हैं, बुनकर जिनको बोला जाता है? तो जंकर्स यहाँ पर हिस्ट्री की बुक में लार्ज लैंड ओनर बोला गया है, याद रखिएगा। किसको बोला गया है? जंकर्स जो है वो लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं। इस हिस्ट्री की बुक में जंकर्स का इस्तेमाल लार्ज लैंड ओनर के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, By which of the following treaties was United Kingdom of Great Britain formed? ठीक है, तो कौन सी ट्रीटी हुई, कौन सी संधि हुई जिससे कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ? तो चार ऑप्शन दिए गए, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, एक्ट ऑफ यूटोपियन और ट्रीटी ऑफ पेरिस और ट्रीटी ऑफ वियना। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका आंसर क्या है? एक्ट ऑफ यूनियन है। एक्ट ऑफ यूनियन के अंतर्गत द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो फॉर्म हुआ था। तो इसका आंसर हो गया आपका एक्ट ऑफ यूनियन। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पावर कलेक्टिंग डिफीटेड नेपोलियन। कौन से ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया? जानते हैं ना नेपोलियन, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं, आर्मी का वो था, हेड था। हाँ, लास्ट में उसी ने कमांड संभाल ली थी, कई सारे उसने रिफॉर्म भी किए। तो इसमें कई सारे ग्रुप दिए हुए हैं, क्या वो ग्रुप इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या रशिया था, या इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, रशिया था, या ऑस्ट्रिया, प्रुशिया, रशिया या ब्रिटेन था, और ब्रिटेन, प्रुशिया, रशिया या इटली था। तो इतना तो मालूम ही हो गया होगा कौन थे चार। तो वो आंसर क्या है? ऑस्ट्रिया, प्रुशिया, रशिया और ब्रिटेन, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वरना वो हारने वाला नहीं था, बहुत ताकतवर था। जब चार कंट्री मिले तब नेपोलियन को जाके हरा पाए थे।
इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आता है, रोमांटिसिज्म रिफर टू, रोमांटिज्म जो है रोमांटिसिज्म किसको रिफर करता है, तो कल्चरल मूवमेंट को रिफर करता है कि रिलीजियस मूवमेंट या पॉलिटिकल मूवमेंट या लिटरेरी मूवमेंट। तो ध्यान रखिएगा, रोमांटिज्म नाम से ही लग रहा है कल्चरल मूवमेंट है। एक ऐसा आंदोलन हुआ था कि कल्चरल मूवमेंट से लोगों को अवेयर कराया गया। नेशनलिज्म का जो भाव है लोगों में जगाने का काम किसने किया, रोमांटिसिज्म ने किया था। तो रोमांटिसिज्म जो है किसको रिफर करता है, कल्चरल मूवमेंट को। बात समझ में आ गई, ओके। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द, इसको बताने से पहले हम आपको बता दें ये सारे क्वेश्चन जो है 2020-2021 में सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। समझ लीजिए कितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। और आपके तो सीबीएसई बोर्ड ने पैटर्न ही बदल दिया, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन इस बार भी आने वाले हैं बोर्ड में। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लर्न भी करिए। हाँ, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, इसको जो है अच्छी तरीके से पढ़ना है और मेमोराइज करना है, तब फायदा मिलेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम करते हैं, ठीक है, शोइंग द लव टूवर्ड्स नेशन। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन और द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो सबसे पहले जो राष्ट्रवाद जो है नेशनलिज्म जगाने का जिसने काम किया वो कौन सा रेवोल्यूशन था, 1789 का, याद आ गया होगा, हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसका आंसर क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में। ये नाइन्थ में आप पढ़ के आए, वो क्वेश्चन आ जाता है टेंथ में पूछते हैं। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। इसमें बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं, क्वेश्चन सही पढ़ते नहीं है। इसमें लिखा है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, नॉट नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। तो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ ये दिया था, ये शामिल है। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, ये भी सही है, समझ आ गई। राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी सही है। क्या नहीं था, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, उसने क्या नहीं दिया था, ये शामिल नहीं है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो है नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 में शामिल नहीं, नॉट इंक्लूडेड। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेलिटी बिफोर लॉ, याद रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर देखो नॉट आ गया, ये क्वेश्चन जरूर आएगा नॉट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये चार आपको कंट्री के नेम लिखे हैं, तो इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा देश है जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं था। तो क्या वो इंग्लैंड है, क्या पोलैंड है, स्कॉटलैंड है कि आयरलैंड, समझे। तो इसका आंसर होगा पोलैंड, पोलैंड जो है इसका पार्ट नहीं था। इंग्लैंड तो था ही, नाम ही जानते हैं आप लोग, स्कॉटलैंड भी था और आयरलैंड भी था, बाद में ये अलग अलग हो गए, लेकिन जो है पोलैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं था, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। ये 2021 सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। तो इसमें आप सीक्रेट सोसाइटी, इसको हम यंग इटली के नाम से जानते हैं, किसने बनाया, क्या वो ओटोमान बिस्मार्क थे, नहीं, गुसिप्पी मैजानी, कि मेटरनिक, कि जोहानन गॉटफ्राइड हर्डर। तो आप लोग जानते होंगे कौन थे वो, गुसिप्पी मैजानी था। वो क्या था, गुसिप्पी मैजानी, जिसने सीक्रेट सोसाइटी की बनाया था, जिसका नाम क्या रखा, यंग इटली। इसको अच्छे तरीके पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में, जब आप नेक्स्ट क्लास में जब वीडियो आएंगे तो उसमें हम नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएंगे, बताएंगे। और निश्चित तौर पर जान लीजिए कि हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास, ओके, थैंक यू।